एवरीवन, आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन लाइव और मैं हूं आपके साथ अंकिता मिश्रा। इन दिनों सानिया मिर्जा भारतीय टेनिस खिलाड़ी काफी चर्चाओं में हैं। चलिए जानते हैं भारतीय टेनिस खिलाड़ी के कुछ दिलचस्प चीजों के बारे में। आखिर उन्होंने जब अपने करियर की शुरुआत करी तो किस तरीके से परिवार वालों ने उनका सहयोग किया, और अगर सानिया टेनिस प्लेयर ना होती तो सानिया क्या होती। टेनिस स्टार सानिया मिर्जा आजकल अपने पति शोएब मलिक से रिश्ते को लेकर के खासा सुर्खियां बटोर रही हैं। कपल ने अब आधिकारिक तौर पर अलहदा होने की घोषणा कर दी। आपको बताते चले कि कुछ समय पहले ही सानिया मिर्जा ने इंटरनेशनल टेनिस से संन्यास लेने की घोषणा की थी। इस उठापटक के बीच में चलिए जानते हैं कि फेमस टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा आखिर कितनी पढ़ी लिखी हैं, उन्होंने कहां से पढ़ाई शुरू की, कैसे करियर की शुरुआत की, अगर टेनिस खिलाड़ी ना होती तो आखिर क्या होती सानिया मिर्जा। सानिया मिर्जा का जन्म 15 नवंबर 1986 में मुंबई में हुआ था। उनका होम टाउन हैदराबाद है। होम टाउन में वो जन्म के बाद चले गई थी और उनके पिता इमरान मिर्जा स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट रह चुके हैं। उनकी मां नसीमा मिर्जा प्रिंटिंग में थी। इस फील्ड में सानिया मिर्जा को लाने का पूरा श्रेय उनके पिता को जाता है। सानिया की स्कूलिंग NASR स्कूल हैदराबाद से हुई। इसके बाद उन्होंने सेंट मैरी कॉलेज हैदराबाद से ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। सानिया ने SSC एग्जाम फर्स्ट डिवीजन से 63% से पास भी किया था। एक वीडियो की माने तो एक वीडियो में इंटरव्यू के दौरान सानिया ने बताया कि उन्होंने BA इन मास कम्युनिकेशन किया था। सानिया मिर्जा ने 6 साल की उम्र से ही टेनिस खेलना शुरू कर दिया था। उनके पिता ने निजाम क्लब हैदराबाद से 6 साल की उम्र से ही उन्हें खिलाना शुरू कर दिया। बाद में सानिया मिर्जा को इंटरनेशनली ट्रेनिंग के लिए CK भूपति, जो कि टेनिस खिलाड़ी के महेश भूपति के पिता हैं, उनसे ट्रेनिंग दिलाई गई। सानिया मिर्जा के 12 साल के होते होते पिता उनका खर्च अब मैनेज नहीं कर पा रहे थे, जिसके बाद उन्होंने स्पॉन्सर की तलाश की। सीनेट टेनिस एकेडमी सिकंदराबाद से प्रोफेशनल टेनिस सीखने के बाद सानिया ने यूनाइटेड स्टेट की एस टेनिस एकेडमी ज्वाइन की और वे परिवार समेत 2 साल तक US में ही रही और वहीं ट्रेनिंग भी ली। सानिया ने 10 सिंगल्स और 3 डबल टाइटल जूनियर प्लेयर के तौर पर जीते। उन्हें पहली अंतर्राष्ट्रीय जीत तब मिली जब उन्होंने लेडीज पेस के साथ मिलकर साल 2002 में एशियन गेम्स में मिक्स डबल्स में ब्रॉन्ज हासिल किया। उन्होंने बहुत सारे अवार्ड से देश का गौरव बढ़ाया है। उन्होंने मुख्य अवार्ड जो जीते हैं उसमें अर्जुन अवार्ड शामिल है, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, पद्म भूषण, इसके साथ ही कई सारे अवार्ड्स उनके नाम है जिसमें पद्मश्री भी हैं। अब सवाल उठता है कि अगर सानिया टेनिस खिलाड़ी ना होती तो क्या होती। सानिया मिर्जा ने क्योंकि BA इन मास कम्युनिकेशन की है तो ऐसे में वो पत्रकार बन सकती थी, राइटर बन सकती थी, या फिर वो अपनी पढ़ाई आगे पूरी करके प्रोफेसर तक बन सकती थी। देखा आपने, सानिया मिर्जा के पिता स्पोर्ट जर्नलिस्ट थे और स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट होने के साथ साथ सानिया मिर्जा के कोच भी रहे और सानिया को खेल के बारे में हर छोटे से बड़ी जानकारी उन्होंने हासिल करवाई। सो सानिया मिर्जा के आज इस पूरे खेल की हिस्सेदारी में कहीं ना कहीं उनका जो परिवार है वो पूरी तरीके से शामिल हो रहा है। और सानिया अगर स्पोर्ट्स में ना जाती तो यकीनन एक पत्रकार जरूर होती। वेल, इस रिपोर्ट में इतना ही। देखते रहे नेक्स्ट नाइन लाइफ।